नमस्कार, राधा कृष्ण मराठी ब्लॉग्स मध्ये मी जयश्री पवार आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे। तर आज आपण नवरीच्या गाडीमध्ये फर्स्ट ड्राइव्ह करतोय आणि नवी गाडी खूप भारी आहे, मला तर भारी आवडली। आणि तिच्यामधनं आपण केरळ बघूया थोडंसं का होईना, आणि लग्नही बघूया कसं आहे लग्न, ठीक आहे ना। कोण कोणाला केरळचं लग्न बघायचं बरं, तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा, लाईक करायचं आणि सगळ्यांना शेअर पण करायचं, बिलकुल विसरायचं नाही। तो आपने देखा अभी विधिवत हमारे लास्ट वीडियो में शादी का शादी रीति रिवाज के साथ पूरी हुई, और शादी के बाद क्या होता है देखो। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है जो दूल्हा दुल्हन के और रिलेटिव्स के फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, शूट करने के लिए रेडी है बिल्कुल। और अभी पूरा हॉल फटाफट से खाली हो जाएगा क्योंकि अभी शादी के बाद सब जाएंगे खाना खाने। तो देखो पूरा हॉल फटाफट मिनटों में खाली हो गया। और अभी यहाँ पे फोटो सेशन शुरू हुआ है, और ये अम्मा और अप्पा है दुल्हन के नाना नानी, तो इनके साथ फ़ोटो खींचा गया। और फिर ये दादी है, और सभी के साथ अच्छे से फ़ोटो शूट हो रहा था। और मैं और योगेश गई थी, तो हम लोगों ने भी दूल्हा दुल्हन तो आज VIP बने, नंबर लग गए उनके लिए फ़ोटो खींचने के लिए उनके साथ। और बहुत क्यूट लग रहे दोनों भी, आप इन दोनों को बहुत सारा ब्लेसिंग देना। और ये हमारी लीजी आंटी और रानी दी है जो हम लोगों को अभी खाना खाने के लिए लेकर जाएंगे हॉल की ओर। और इनकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी वाले घर में तो सब बिजी होते हैं, ये हम मुझे बहुत टाइम दिया इन्होंने, और इनसे ऐसी दोस्ती हो गई मेरी बहुत ज़्यादा पक्की गहरी। तो अभी चलते हैं इनके साथ, यहाँ का खाना भी देखेंगे कैसा रहता है। और ये रानी दीदी का बेटा है जो अभी डॉक्टर बन चुका है, और लीजी आंटी का बेटा भी डॉक्टर है। देखो यहाँ पे सब डॉक्टर है, अभी हम लोगों को फीस देने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे हॉल भी खचाखच भरा हुआ है, अंदर का खाली होकर यहाँ बाहर अभी खाने के लिए वेटिंग हो रहा है। यहाँ पे अभी खाने का हॉल खुलेगा और वहाँ पे खाना खाने के लिए सब जाएंगे। तो भैया सबसे मिल रहे थे, सबको पूछ रहे थे, और यहाँ खाना परोसा भी जा रहा है। हाय, शुरू हो गए। हेलो कर रहे हैं ना? हेलो हेलो, पूरा पूरा यूट्यूब कर रहे हैं। याच्यामध्ये जेवणामध्ये 56 भोग असल्यासारखे खूप सगळे पदार्थ आहेत, आणि त्या पदार्थांमध्ये खूप सगळं आंबट ऑलरेडी आहे, आणि अजून एक वरती लिंबू दिलं, मला वाटलं ते प्युअर खायचं, पण कशामध्ये, पण यांनी सांगितलं हे गिफ्ट आहेत, घरी घेऊन जायचंय, भारी आहे ना गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट। आणि रिझन पण खूप छान दिलंय त्यांनी, म्हणे लग्नात येऊन थकतो ना आपण, घरी जाऊन एनर्जी ड्रिंक बनवाय। आणि त्यांना हिंदी येत होतं म्हणून मला समजलं नाही, तर मी नक्कीच पिळलं असलं काय। आणि जसं जसं वाढतात ना तसं तसं जेवायला सुरुवात करायचं, आपल्यासारखं नाही, पूर्ण प्लेट तयार झालं की मग देवाचं नाव घ्यायचं आणि मग सुरू करायचं, एक एक आवडलं भेटलं खायचं सुरू। और अभी यहाँ पे कुट्टी और योगेश प्रकाश वो सब खाना खा रहे हैं, और ये केले के पत्ते पे खाना बहुत अच्छा लगता है खाने को, और इनका खाना भी बहुत टेस्टी है, अलग है, डिफरेंट है हमारे खाने से, लेकिन बहुत अच्छा है। और इतना सारा बड़ा हॉल में सब लोग खाना खाए, लास्ट में बचे छान होता ना। आणि हा यांचा ट्रेडिशनल ड्रेस।
और सबसे लास्ट में यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे परिवार के साथ, यहाँ पे उनकी दूल्हे के साइड में उनकी बहनें और दुल्हन के साइड में उसकी बहन, और यहाँ पे हमारे कैमरामैन तो हमेशा इज़ रेडी रहते हैं कैप्चर करने के लिए, और अम्मा अप्पा भी है, उनकी मासा मासी भी है, भैया भाभी भी सब मिलके खाना खा रहे एक, और दुल्हन जैसे खाना खिलाती मीठा खिलाती हमारे इधर, इधर तो बनाना चिप्स खिला दिया दुल्हन ने, और यहाँ पे भैया भाभी भी खाना खा रहे, और यहाँ पे अब हम लोगों को अम्मा पूछ रहे थे आपने खाना खाया कि नहीं खाया, खाया आप खिलाओ अभी उनको खाना खिलाओ खिलाओ हाँ आप खिलाओ अब इसके लिए लड़की लाओ दुल्हन लाओ इसके लिए हाँ खाए और सबका खाना खाने के बाद फिर ड्रेसिंग चेंज होता है दुल्हन का, और अभी ये नई साड़ी पहन है, सभी उसको रेडी करने में जुटे हुए हैं जैसे कोई मिशन हो एक के बाद एक खत्म करना है, और फटाफट से रेडी होके अभी वापस से जाना है बाहर, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन के लिए, और अभी कुछ ही देर में जिस देखेंगे आगे क्या होगा, तो ये पूरा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत हैप्पी हैप्पी करते हैं सब, और अभी फिर से फोटो सेशन होगा, दूल्हा देखो कैसे भागते हुए आ रहा है दुल्हन से मिलने, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है फोटोशूट, तो अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे पोजेस फोटोग्राफर ने बताए जैसे वैसे उन्होंने किया, और हमारी फोटोग्राफर की टीम बहुत अच्छी लगी मुझे केरला की, नहीं तो बाकी फोटोग्राफर मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते परेशान करते, लेकिन थैंक्स टू केरला फोटो पर आप ने बहुत हेल्प किया मुझे, तभी मैं इतना अच्छा वीडियो शूट कर पाई, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे दुल्हन देखो कोई भी शादी बोले तो बहुत खुशी की बात होती है, पूरी तैयारी धूमधाम से होती है, शादी भी खुशी खुशी से मनाई जाती है, और फिर सबसे दुख भरी बात आती है लास्ट में जो कि विदाई, और अभी हम वही प्रणाम पे आ खड़े हैं, और अभी दुल्हन को विदा करना है यहाँ से, तो अभी ये तो ट्विन्स है तो एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रही, तो इनका बिछड़ना भी सबके लिए बहुत और सबसे ज़्यादा कातू के लिए बहुत मुश्किल था, उसके पापा और भैया भाभी के लिए भी हमारे, तो सभी सबके आंखों में आंसू आ रहा था, और ऐसी बात है ना ये कि अपने हाथों से बड़ी पलट करो और फिर वापस एक दिन उसे इतनी धूमधाम से विदा करो, ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है उसे, और ये हर कोई नहीं समझ सकता, बस उसे जो माँ बाप अपने बच्चे को भेजते उसे पता होता है कि उस टाइम उनको उनके ऊपर क्या गुजरती है, और दुल्हन भी इतने सजस के सब करती है लेकिन आँखों में इतने मोटे मोटे आंसू होते हैं उसके जाते टाइम, क्योंकि उसको पूरा याद आता है बचपन से यहाँ तक वो कैसे आई और फिर यहाँ से उसे गुजरना, फिर भी उन्होंने रोने के बाद उसे हंसकर हंसाया वापस से जाने के टाइम, और फिर हंसते हंसते विदा किया, ये बहुत अच्छा था लास्ट वाला सीन, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अभी सभी अपने अपने घर की ओर निकल गए, अभी दुल्हन को हम विदा करने के बाद अभी हम लोग ही लास्ट बचे, हम भी निकलेंगे यहाँ से, तो बस कुछ ही पल बाकी है आपल्याकडे, तसं बाकी लावच्या वयस होतं ना तसं झालंय सगळे रडतात आता,
मला पण थोडस भावना कारण मुलगी बाहेर येते तेव्हा छान वाटतं, पण जेव्हा जाते ना तेव्हा असंच होतं. आणि तुझ्यासाठी एक नवीन छान गाडी पण बुक केली त्यांनी. दुल्हन को तो विदा कर दी, फिर भी यहाँ पे माहौल उसको हंसते हुए किया, लेकिन बाद में फिर सब बहुत रोने लगे. कातू, उसके पापा, आई और सारे को चुप कराना बहुत मुश्किल था. और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ दुल्हन की न्यू कार है. और यहाँ से अभी ह्या नवरीच्या गाडीमध्ये आम्ही हॉटेलमध्ये चालू आहेत, आम्हाला तिकडं सोडणार आणि नंतर नवरीला चावी द्यायला जाणार. तर पहिली ड्राईव्ह आपल्याला मिळती बरं का. न्यू गाडी कुट्टू चलाएगा और हम लोग उसमें फर्स्ट बैठेंगे, है ना. उसको दुल्हन को देने से पहले हम लोग उसमें जाएंगे, है ना. बहुत बढ़िया. चलो वीर. हम लोग किस में भी खुश होते हैं क्या. शादी की खुशियों में भी शामिल हुए, उनके दुख में विदाई में भी शामिल हुए और अभी उनकी कार में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस कार में ऐसे इंजॉय करूँगी. मेरे को ये छोटे बच्चे जैसा बहुत खुशी हो रहा था. सब कोई बोला भी नहीं मुझे बैठ जाओ अभी, क्योंकि यहाँ पे सब कुट्टू और योगेश थे, वो बोले जो करना है करो संभल कर. तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें. फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे.